हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सेस 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अपन को टोटल 12 बिट्स है फ्रेंड्स। सो अपन फर्स्ट वीडियो में अपन 6 बिट सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में अपन 6 बिट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट बिट क्या है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको अपन एक एक करके सॉल्व करना है बोल रहा है। ओके, सो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट बिट देखिए फ्रेंड्स, n बाई 5 माइनस 5 बाई 7 इज इक्वल टू 2 बाई 3। सो यहाँ से सॉल्व करने के लिए अपन को क्या फाइनली वैल्यू लेकर आना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, जस्ट नंबर्स को आप एक सेट ले लिए। सो मैं क्या करूँगा, माइनस 5 बाई 7 को टोटल राइट हैंड सेट पर ट्रांसपोज करूँगा। ओके, सो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, n बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3, ये माइनस 5 बाई 7 क्या हो जाता है, प्लस 5 बाई 7 हो जाता है। ओके, सो मैं n बाई 5 को n बाई 5 लिखूंगा। अभी इधर देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे एलसीएम ले सकते हैं, वरना आपको जस्ट टू फ्रैक्शन है इधर, तो अपन क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 7 इंटू 2 दैट इज 14, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 3 फाइव ज 15। ओके, और 3 सेवन ज 21। फिर देखेंगे फ्रेंड्स, n बाई 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 15 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 बाई 21। ओके, सो अपन को n का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बाई जो भी 5 है डिनोमिनेटर में अपन उसको राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे। सो n इज इक्वल टू 29 बाई 21 इंटू 5। ओके, सो अभी देखिए फ्रेंड्स, इधर कुछ कैलकुलेशन होने का चांसेस नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जस्ट 29 इंटू 5 करेंगे। सो क्या हो जाएगा, 145 बाई 21। सो n का वैल्यू 145 बाई 21 है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह अपन को हर बिट को सॉल्व करना है। सो सेकेंड बिट देखेंगे फ्रेंड्स इसी तरह। सो इधर देखिए, x बाई 3 माइनस x बाई 4 इज इक्वल टू 14। सो इधर x टाइम्स दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर कुछ फर्स्ट ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। सो अपन क्या करेंगे, जस्ट इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू एक्स 3x बाई 3 4 ज 12 इज इक्वल टू 14। सो 4x माइनस 3x क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, x हो जाएगा बाई 12 इज इक्वल टू 14। ओके, सो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपन इसको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 12 को अपन राइट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे। सो 12 इंटू 14 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 168 हो जाता है। ओके, सो इस तरह अपन इसको सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। वैसे अपन थर्ड एंड फोर्थ बिट भी देख लेंगे। इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर z बाई 2 प्लस z बाई 3 माइनस z बाई 6 इक्वल टू 8 है। पिछले केसेस में अपन को जस्ट 2 थे, तो अपन उसके लिए सॉल्व करें, बट इधर देखिए 2, 3, 6 डिनोमिनेटर में, तो इसका फर्स्ट अपन एलसीएम निकाल लेंगे 2 कॉमा 3 कॉमा 6 का। ओके, सो 2 वन जा और ये 3 का 3, क्योंकि 2 के टेबल में आता है, और ये 3 के टेबल में, 3 टाइम ज़्यादा 2 के टेबल, और ये 3 1 कॉमा 1 कॉमा 1, सो 2 3 जा 6। सो 6 क्या है, एलसीएम है सबका। सो 6 एलसीएम है, तो ये 2 टाइम्स बोलते 3 टाइम्स हो जाएंगे 3 जेड। ओके, तो ये 3 टाइम्स है, 3 2 जा बोलते 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 का 1 इज इक्वल टू 8। ओके फ्रेंड्स, सो 3 जेड प्लस 2 जेड क्या हो जाएंगे, 5 जेड माइनस जेड दैट इज 4 जेड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 5 जेड माइनस जेड 4 जेड हो गया बाई 6 इज इक्वल टू 8। अभी मैं 6 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दूंगा, 4z इज इक्वल टू 8 इंटू 6। ओके, सो 8 इंटू 6, अभी अपन देखेंगे 4 को भी पहले इधर लेकर आ जाएंगे, और भी थोड़ा सिंपल हो जाता है आपको कैलकुलेशन। 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 करेंगे, सो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 4 1 जा 4 2 जा, सो 2 6 जा कितना हो गया फ्रेंड्स, z इज इक्वल टू 12। ओके, सो ये अपना आंसर है। इस तरह अपन को हर बिट को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ये भी देख लेंगे। ये देखिए, 2p बाई 3 माइनस p बाई 5 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 बाई 3। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है फ्रेंड्स, तो इसको कैसा करते हैं, फर्स्ट अपन देख लेंगे 2p बाई 3 माइनस p बाई 5 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 11 दैट इज 33, 33 प्लस 2 करेंगे तो 35 आ जाएंगे इक्वल टू 3। मैं फिर एक बार बोलूँगा फ्रेंड्स, 3 इंटू 11 इसको इंटू करना है और इसको प्लस करना है, जब ये इंटू करने के बाद में इसको ऐड कर देंगे तो आपको
3 इंटू 11 दैट इज 33 प्लस 2 35 इन बाई 3। ओके सो अभी अपन लेफ्ट हैंड साइड का भी देखेंगे फ्रेंड्स, 3 और 5 है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 इंटू 2 दैट इज 10 पी माइनस 3 इंटू पी दैट इज 3 पी और ये 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 35 बाई 3। ओके सो अभी अपन क्या करेंगे इधर 10p माइनस 3p करेंगे तो आपको 7p आएगा, 7p बाई 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 35 बाई 3 हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे जस्ट 15 को राइट हैंड साइड पे पहले ट्रांसपोज कर लेंगे, सो 35 बाई 3 इंटू 15। ओके सो 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा। ओके सो अभी अपन ये 7 को भी राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे, सो क्या हो जाता 3p इज इक्वल टू 35 इंटू 5, जस्ट अपन को 5 बचा ना, मैं 5 लिख रहा हूँ और डिवाइड बाई ये 7 को मैंने राइट हैंड साइड पे लेकर आ रहा हूँ और नीचे अपन को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो 7 वन ज़ा 7 फाइव ज़ा, सो 5 इंटू 5 खाली जस्ट 5 इंटू 5 बचा है, सो p इज इक्वल टू 25, आंसर इज 25। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, इस तरह अपन को हर बिट को सॉल्व करते रहना। ओके अपन फिफ्थ बिट भी देख लेंगे, ये भी देखिए फ्रेंड्स मिक्स फ्रैक्शन वाला केस है, 9 इंटू 1 बाई 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू 1 बाई 3, सो दोनों तरफ पे मिक्स फ्रैक्शन है। सो तो अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने बोला इसको इंटू करना है दोनों को, फिर इसको ऐड करना है, इधर भी दोनों को इंटू करना है फिर इसको ऐड करना है। सो 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 1 37 बाई 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई 3। ओके सो अभी अपन क्या करेंगे, जस्ट अपन को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो माइनस 4 बाई 3 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, सो 37 बाई 4 प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू y। ओके सो अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 37 3 ज़ा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इधर 37 3 प्लस 4 इंटू 4 बाई 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। ओके इधर देखिए फ्रेंड्स 37 इंटू 3 आप करेंगे तो आपको क्या आएगा फ्रेंड्स इधर 111 प्लस 16 दैट इज 4 इंटू 4 और ये 12 इज इक्वल टू वाई और ये 111 प्लस 16 क्या हो जाएगा 127 बाई 12 इज इक्वल टू 5 सॉरी वाई। ओके सो कुछ फर्दर कैलकुलेशन है क्या फ्रेंड्स, देखिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सो वाई का वैल्यू 127 बाई 12 लीजिए। ओके सो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। सो इस वीडियो का लास्ट बिट देखेंगे अपन, ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर टोटली अपन को x बाई 2 माइनस 4 बाई 5 प्लस x बाई 5 प्लस 3x बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 5। सो क्या करेंगे इसमें जस्ट न्यूमर पार्ट है ना, नंबर जो भी है माइनस 4 बाई 5 को अपन राइट हैंड साइड पे ले लेंगे और जो भी x के टर्म्स है अपन इसको x साइड में ले लेंगे। सो x बाई 2 प्लस x बाई 5 प्लस 3x बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 5 और ये माइनस 4 बाई 5 को अपन राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो 4 बाई 5 हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स सो अभी अपन क्या करेंगे इसका 3 का एलसीएम ले लेंगे, सो 2 कॉमा 5 कॉमा 10 का एलसीएम निकालेंगे, सो 2 वन ज़ा 5 नहीं जाता है, सो 2 5 ज़ा 10 और नेक्स्ट 5 के टेबल में 1 इंटू 1 इंटू 1 सो 2 5 ज़ा 10 सो एलसीएम क्या हो गया 10 हो गया फ्रेंड्स। ओके सो 10 हो गया, सो ये 2 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x और ये 5 है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा और ये 1 टाइम ही, सो सेम 3x लिखना है। और इधर देखिए फ्रेंड्स इधर देखिए दोनों साइड में 5 5 है तो अपन को कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है 5, सो ऊपर का न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया 1 प्लस 4 क्या हो जाएंगे आपको 1 प्लस 4 बाई 5। ओके 1 प्लस 4 बाई 5 वरना मैं इधर लिख दूंगा फ्रेंड्स, इसको इक्वल करते हैं 1 प्लस 4 बाई 5। ओके क्योंकि अपने दोनों एलसीएम 5 से आएगा फिर तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे कुछ भी करो आपको सेम आंसर ए आएगा, सो 5x प्लस 2x 3x और 10x हो जाएगा, 10x बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5 बाई 5। ओके फ्रेंड सो देखिए इधर बहुत सिंपल है, इधर 10 10 कैंसिल कर दीजिए और इधर 5 5 कैंसिल कर दीजिए, सो बचेगा क्या x इज इक्वल टू इधर 1 बाई 1 बचेगा तो आंसर इज 1। ओके आंसर इज 1, आई होप आपको समझ में आऊंगा फ्रेंड, इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। सो अपन और भी 6 बिट्स है फ्रेंड्स, उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी अपन यहाँ पर ही रोक देंगे इस वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए,
अगर आपने इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।